से आज दिल्ली कूच का जो ऐलान भी किया गया है, तो किस प्रकार से हरियाणा पुलिस तैयार है, क्या तैयारियां की गई? देखिए, हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले एक हफ्ते से इस आंदोलन के मद्देनज़र हमारे शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे और अन्य जो भी संवेदनशील ज़िले हैं वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है और उनको बार बार जो है इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जिस प्रकार की सिचुएशन रहती है उसको, हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो भी संभव कोशिश है उसको करें। और साथ ही साथ किसान संगठनों से भी हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से करें। प्रदेश में कई जिलों में धारा 144 लगाई हुई है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को बाधित ना करें और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें। तो मैम, हैवी व्हीकल जो है वो लेके आए थे, उसको लेकर भी आप पुलिस के द्वारा अपील की गई है कि इस तरह का प्रोटेस्ट ना करें, शांतिपूर्वक करें, तो आगे क्या रहेगी कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी कल पत्राचार किया था और किसान संगठनों से भी हम ये अपील करते हैं कि जो भारी मशीनरी है जैसे जेसीबी है, पोकलेन है या फिर हाइड्रा है, इस प्रकार की मशीनरी को धरना स्थल पर लेकर ना आएं, क्योंकि कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल पुलिस बल पे हमला करने के लिए कर सकता है। इससे जानमाल की भी नुकसान हो सकता है, प्रदर्शन में कुछ महिलाएं, बच्चे और सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं, तो इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसलिए हम सभी किसान संगठनों से ये अपील करते हैं कि अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से बनाए रखें। लास्ट क्वेश्चन, कितनी फोर्स तैनात की गई है शांति बनाए रखने की? हरियाणा पुलिस बल की अगर हम बात करें तो 50 हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज जो हैं अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। इसके अलावा अर्ध पुलिस सैनिक बलों की भी 64 कंपनियां हरियाणा पुलिस में अलग अलग जगह पर तैनात की गई।